तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही होगा कि Realme की बहुत सी डिवाइसेज में कलर OS 6 का जो है बेटा वर्जन मिलने लगा है, जैसे Realme 1, Realme 2 Pro और U1। बस यहाँ पे बच गया है तो हमारा Realme 2 और Realme C1, जो कि बहुत ही अच्छी डिवाइस है, कम बजट में आती है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इस जो डिवाइस है Realme 2 और C1, उसमें हमें क्या क्या अपडेट्स में मिलने वाले हैं और हमें फॉर्म कब सबमिट करना है और कैसे सबमिट करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों ने फॉर्म सबमिट करने में जो बेटा वर्जन का फॉर्म है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई और प्रॉब्लम आई, इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सारी डिटेल जो है दोस्तों कैसे भरनी है वो मैं आपको बताऊँगा। और एक और चीज़ बता दूँ कि फॉर्म भरने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको बेटा वर्जन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ईमेल एड्रेस दिख जाएगा, ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, आपके पास होगा, आप डाल देंगे। और यहाँ पर आपको यहाँ पर डिवाइस लिखना है, जैसे रियलमी 2 आएगा या C1 आएगा, यस कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको IMEI नंबर मिल जाएगा, *#06# डायल करके। तो ये जो दोस्तों जो IMEI नंबर है ये पहले ही आप अपने मोबाइल में सबमिट कर लीजिएगा, और जब ये फॉर्म भरने की बारी आए तो सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर दीजिएगा, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है और इस टाइम में हो सकता है कि बेटा वर्जन आपको ना मिले। तो जैसे ही दूर यहाँ पे कहीं कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट मार दीजिएगा। और यहाँ पर आपको दूसरा जो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको योर यूज़र नेम इन रियलमी कम्युनिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस सबसे पहले जो है ये सब रियलमी कम्युनिटी में भर के रख लेना है, आपका जो नाम है वो सबमिट कर लेना है और आईडी बना लेना है। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप आईडी और टेलीग्राम आईडी दिखेगा, तो व्हाट्सएप जो आईडी है और टेलीग्राम आईडी वो ऑप्शनल है, नहीं भी भरोगे तो चलेगा, बट यहाँ पर पूछा है तो भर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो टेलीग्राम आईडी है वो क्या है। टेलीग्राम अकाउंट होगा तो आप सेटिंग में चले जाइएगा, आपको सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा और सेटिंग के ऑप्शन में आपको वहाँ पे आईडी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी यहाँ पे लिखा है Sonu1122, यही टेलीग्राम की आईडी है और इसे ही आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप आईडी भी दिखेगा, व्हाट्सअप आईडी होता नहीं है, जनरली आपका व्हाट्सअप नंबर ही होता है, आप व्हाट्सअप नंबर वहाँ सबमिट कर दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन मांगी है तो देना तो पड़ेगा ही, हो सकता है इससे कुछ चेंजेस हो जाए। बट आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो फॉर्म है, फॉर्म हमेशा एक दिन पहले आते हैं, Realme 2 Pro में भी पहले आया था और Realme 1 में भी एक दिन पहले आया था। Realme 1 में आपको 4 जून को देखने को मिल गया था, तो ये भी है कि जब आपको 5 जून बोला है तो आपको 14 जून को मिल जाएगा। तो मैं आपको सब जो है इन्फॉर्म कर दूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन्फॉर्म मैं कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ इसके बाद जो है हम कुछ क्या कुछ खास चेंजेस कलर OS 6 में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलने वाला है, एक एनिमेशन, जब आप फेस एनरोल करोगे फेस अनलॉक के लिए तो आपको बहुत ही प्यारा यहाँ पे फीचर्स एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब आप फेस अनलॉक कर लोगे और जब आप ओपन करने के लिए कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर भी एक इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज़ बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जब आप चार्जिंग पे लगाओगे अपने मोबाइल को तो यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही प्यारा है दोस्तों, ऐसा लगेगा कि आपका जो मोबाइल है बहुत ही अच्छे तरीके से चार्जिंग हो रहा है, बहुत ही सेफ तरीके से। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है, लुक्स है, देखने को मिलेगा। इसी टाइप का आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा, जैसा कि कलर OS 6 में देखने को मिलता है। अगर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन की वो करोगे, प्रेस करोगे, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के जो आइकॉन्स टाइप के देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको फिजिकली भी कर सकते हो और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे ये एक अच्छी फीचर्स यहाँ पे आया है, जो कि MIUI के जैसे ही आपको देखने को मिलता है कुछ बेसिकली। और यहाँ पे आपको मे बी रियलमी 2 और C1 में दोनों में आपको थीम स्टोर का सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स इस टाइप के आपको चेंजेस से मिलेंगे, जो कि एक अलग सा लुक देते हैं रियलमी में कलर OS 6 में। बहुत सारी चीज़ें और भी आपको चेंजेस मिलेगी, प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको मिल जाएगी, कम्युनिटी, रियलमी कम्युनिटी के ऐप्स, रियलमी कम्युनिटी में आप आईडी ज़रूर बना लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। गेम स्पेस का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और भी रियलमी की बहुत सारी ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ऐप ड्रावर का सपोर्ट भी आपको कलर OS में देखने को मिल जाएगा रियलमी 2 और C1 के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं Realme 2 और C1 में,
बट ये है कि थोड़ा लेट होगा, डिले हो जाएगा। सेटिंग में भी आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप के जो आइकॉन्स हैं उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन मैगजीन आपको सपोर्ट मिल जाता है। ये मेरे हाथ में रियलमी 3 डिवाइस है और यहाँ पे रियलमी 1 में भी सपोर्ट देखने को मिलता है, 2 प्रो में भी देखने को मिलता है। तो मे बी रियलमी सरप्राइज़ कर सकता है, बट चांसेस कम है। सरप्राइज़ आपको डेफिनेटली कर सकता है क्योंकि रियलमी C2 में भी आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे 2 और C1 में भी बिल्कुल भी देखने को मिल सकता है, ऐसा तो चांसेस बिल्कुल है। और अगर आप सिस्टम ऐप में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिल जाएगी, जैसा कि पहले जो नहीं थी वैसे। अब यहाँ पे आपको क्लोन ऐप में भी अगर जाओगे तो आपको रियलमी जो C1 है उसमें आपको क्लोन ऐप देखने को ज़रूर मिलेगा। पहले भी बोला गया है कि रियलमी C1 में नहीं है, तो यहाँ पे जो कलर ओएस 6 आएगा उसमें रियलमी C1 में आपको क्लोन ऐप देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ कि रियलमी C1 जो है उसमें जो मेमोरी है वो कम रहती है। 2GB वेरियंट भी है, 3GB भी है, बट आपको जो है मेमोरी थोड़ा खाली रखना पड़ेगा स्टॉक को, ताकि जो कलर ओएस 6 है ईजिली वर्क हो जाए, वहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फंक्शन जो दिखता था 5.2 में, उसमें आपको फ्रंट कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो यहाँ पे जो कलर ओएस 6 आएगा आपको फ्रंट कैमरे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब दो तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे गेमिंग अगर करते हो तो पबजी वगैरह गेम की आप लाइविंग कर सकते हो। और यहाँ पे अगर कैमरा सेक्शन के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या कुछ खास कैमरा सेक्शन में मिलने वाला है, तो यूज़र इंटरफेस सेम ऐसे ही होने वाला है। रियलमी 1 का भी ऐसी है और C1 का भी ऐसी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नाइट स्केप का सपोर्ट, यहाँ पे आप ये रियलमी 3 है तो मैं आपको बता दूँ नाइट स्केप का जो सपोर्ट है 2 और C1 में भी ना मिले। यहाँ पे रियलमी फिर से सरप्राइज कर सकता है, बट रियलमी ने बोला था पहले कि 1 और U1 को ही मिलेगा, तो जो 2 है और C1 को अभी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जो स्लो मोशन है, स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको एक अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा कैमरे के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्रोमा बूस्ट। तो ये रियलमी 3 से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो क्रोमा बूस्ट अभी मोस्टली सभी डिवाइसेस में मिल रहा है। तो 2 में भी और C1 में भी क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्रोमा बूस्ट क्या होता है इसका रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। एक्सपर्ट मोड का सपोर्ट भी दोनों ही मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा, बट जो नाइट स्केप मोड है उसके लिए मुझे थोड़ा डाउट है, बट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जो GCam है, GCam आप रियलमी 2 और C1 में अभी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, बट जब भी आपको कलर ओएस 6 मिलता है, अगर आप बेटा वर्जन में सिलेक्टेड होते हो, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपकी जो डिवाइस है उसमें Hall 3 Cam 2 API इनेबल है कि नहीं। इसके लिए आपको एक ऐप्स डाउनलोड करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैनुअल कैमरा कैपेबिलिटी टेस्ट। इससे जो है आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आपको बीटा वर्जन मिलेगा तो आप चेक कर लेना है। और अगर इस ऐप में आपको सारे राइट्स ग्रीन में दिखाई दें तो आप समझ जाना कि Cam 2 API Hall 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये ऐप्स आपको ज़रूर से बता देगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा सपोर्ट आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा कि GCam आप इंस्टॉल कर सकते हो। और रियलमी के बहुत सारे ऐप्स जो मोबाइल है उसके रिगार्डिंग मैंने GCam के लिए बताया है, तो आप वो वीडियो देख के GCam इंस्टॉल कर सकते हो। बट ये जो फीचर है इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है कि ये जो GCam का सपोर्ट है रियलमी 2 और C1 में देखने को मिलता है कि नहीं। बट रियलमी 2 प्रो में भी कंपनी ने बोला था कि नहीं मिलेगा, बट सरप्राइजली सबसे पहले रियलमी 2 प्रो को ही मिला है, तो यहाँ पे आपको भी मिल सकता है, मीन्स रियलमी 2 और C1 को। अब देखते हैं मिलता है या नहीं, अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी हम सब के लिए, कि रियलमी C1 और रियलमी 2 जो है बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा, बेटा वर्जन आपको मिले ना मिले, बट जब भी आपको अपडेट मिले तो आप एक तैयारी जरूर से कर लीजिएगा। जो आपको फ़ोन स्टोरेज डाटा है, खास कर ली मैं आपको रियलमी C1 के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो स्टोरेज है बहुत कम रहती है 6GB वेरिएंट वाले में 2GB, तो यहाँ पे आपको जो डाटा है फ़ोन स्टोरेज का वो बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, मीन्स जो फालतू की चीज़ें हैं उसे आपको SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है। और फॉर्म जो है आपको सबमिट करने के लिए तैयार रहना है। कंपनी की तरफ से बोला गया था कि जो 15th जून है उसमें आपको बेटा वर्जन रिलीज़ हो जाएगा, तो 14th जून को आपको रेडी रहना है और कम्युनिटी ऐप्स को चेक करते रहना है कि वहाँ पे फॉर्म के लिए अपडेट्स आए कि नहीं। तो मैं भी आपको बता दूंगा
बेसिकली मैं तो आपको बता ही दूंगा, बट आप भी चेक करते रहिएगा। और यहाँ पे आपको जो वर्ज़न है कलरओएस 6 बेटा ज़रूर से मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ीचर्स मिलने वाले हैं दोस्तों। रियलमी 2 और C1 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे अपडेट्स अभी आने बाकी हैं। और रियलमी 1 में भी स्टेबल वर्ज़न, रियलमी 2 में भी स्टेबल वर्ज़न, U1 में भी स्टेबल वर्ज़न बहुत जल्दी आने वाला है। जिनको बेटा वर्ज़न मिला है उनके लिए भी ठीक है, नहीं मिला उनको भी वेट करना चाहिए, स्टेबल वर्ज़न बहुत जल्दी आएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।